मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी में बीते दिन एक होटल में शहर के सभी शराब ठेकेदारों की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में कई मुद्दों पर सभी ठेकेदारों द्वारा चर्चा की गई। इसमें सबसे अहम मुद्दा अभी शराब पर दिए जा रहे स्पेशल डिस्काउंट का रहा। दरअसल अभी शहर में करीब 210 शराब की दुकानें संचालित की जा रही है। ऐसे में सभी दुकानों पर शराब पर लोगों को स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है, लेकिन अब इसे बंद करने का निर्णय लिया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बीते दिन 21 मॉल के सामने प्ले बॉय होटल में हुई बैठक में शहर के 80% से अधिक शराब ठेकेदारों ने हिस्सा लिया। मीटिंग में खासकर डिस्काउंट पर दी जाने वाली शराब पर प्रमुखता से चर्चा की गई। ऐसे में सभी ने शराब पर डिस्काउंट बंद करने पर समर्थन जताया। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी सामने आई है कि आज यानी 1 जुलाई से शराब पर दिया जा रहा स्पेशल डिस्काउंट पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। इस पर सभी ठेकेदारों का समर्थन भी मिल चुका है। अहाते बंद होने से शराब कारोबारियों की एक तरफ तो बिक्री कम हुई, जिसकी वजह से उनका मुनाफा बहुत कम हो गया है। ऐसे में आगे ऐसा ना हो इसलिए ये फैसला लिया गया है। अब आगे क्या होता है, ये डिस्काउंट कब तक के लिए बंद किया जा रहा है, इसका निर्णय भी शराब ठेकेदार पर ही है।